वाराणसी में ठंड कपाने को तैयार, न्यूनतम पारा 14.2 डिग्री पर। पूर्वांचल सहित समूचा वाराणसी का क्षेत्र इन दिनों ठंड में अब कांपने को तैयार नजर आ रहा है। दरअसल वाराणसी में सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के करीब जा पहुंचा है और अधिकतम पारा भी अब 30 डिग्री के नीचे आ चुका है। ऐसे में मौसमी हालात अब व्यापक ठंड की ओर इशारा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कोहरा और सघन ओस का रास्ता भी साफ हो चुका है। ऐसे में वातावरण में नमी की मात्रा कम होने के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के बाद गलन का प्रकोप भी दूसरे पखवाड़े में नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने अब 4 दिनों के बाद 17 नवंबर से कोहरे और धुंध का संकेत दिया है। रविवार की सुबह वातावरण में ठंड का असर व्यापक तौर पर नजर आया। हालांकि आसमान पूरी तरह साफ होने से सुबह सूरज निकलने के साथ ही वातावरण में सूरज की रोशनी कोहरे और कोहरे की गैर मौजूदगी में साफ नजर आई। वहीं सुबह ठंडी हवाओं का दौरा चला तो लोग सूरज की रोशनी में शरीर को गुनगुना एहसास देने के लिए भी निकले और धूप सेंकते नजर आए। दिन चढ़ा तो ठंडी हवाओं का असर 8 बजे के बाद कम होता गया। वाराणसी में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। आर्द्रता अधिकतम 83% और न्यूनतम 49% दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वांचल में आसमान पूरी तरह साफ बना हुआ है। साफ आसमान की वजह से रात में ओस का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया। ऐसे में सुबह ठंडी हवाओं का दौर लोगों को कपाने की ओर जल्द ही होगा।